नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रीट में जो बड़ा फैसला लिया गया है उसके बारे में एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ में जो नई वैकेंसी है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पिछली वैकेंसी 2021 में पद बढ़ाने की मांग जो बेरोजगार साथी लगातार कर रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बीडी कला साहब ने एक अभी ट्वीट किया है, लगभग 5 मिनट पहले का ट्वीट है। मंत्री बीडी कला ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक वर्ष 2022 में 14-15 मई को रीट परीक्षा आयोजन कराने का फैसला किया गया है, जिससे प्रवेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे और इस भर्ती में विशेष शिक्षकों हेतु भी प्रावधान किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये एक बड़ा ट्वीट मुख्यमंत्री के नए शिक्षा मंत्री बीडी कला साहब ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। पिछली जो भर्ती 2021 में वैकेंसी निकली थी 31,000 पदों पर, उसमें अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि रीट में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है रीट में पद बढ़ाने की। और लगातार बेरोजगार मांग कर रहे हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट में 31,000 पदों को बढ़ाकर 50,000 करें ताकि बेरोजगारों को राहत मिले। एक रिपोर्ट के अनुसार 56,000 से पद खाली पड़े हैं। सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन बेरोजगारों के हितों में बड़ा फैसला ले और जो लगभग 2.5 महीनों से यहाँ पर शहीद स्मारक जयपुर में पड़े हुए हैं।